बेगम साहबा बाहर कुछ साहब आए हैं बीबी जी को पिक करने। तो तुम्हारे खालू होंगे। खालू आए? अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खैरियत पूछने आए। बहुत आलीशान घर है तुम्हारा। तुम्हें मेरे घर आने की इजाजत किसने दी है? अम्मी को लेने आया हूँ। तुम क्यों नाराज हो रही? हालांकि मैं ड्राइवर के साथ भेज सकती थी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। अब हम इतने भी गैर नहीं है जेबू, तुमने तो मुझे अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया था। मैं शाहनवाज के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। हाँ, इतना आलीशान घर है, नौकर चाकर हैं, कोई भी इंसान खुश और मुतमईन है। आरिस, और यहाँ अम्मी को लेने आया। जी, खाला आए हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे। अच्छा, चलो ड्राइंग रूम में ही चलते। सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? यारेज गालिबन आपको लेने आया। बहुत अच्छा किया आपने कि आप यहाँ आ गए। जेब आपको बहुत याद करती है। आप दोनों भी किसी दिन हमारे घर आए ना। जरूर आएंगे, मगर यारेज तो हमारी शादी पर भी नहीं आया। वो ये मसरूफ रहता है बहुत ज्यादा, इसकी बेगम की डिलीवरी भी होने वाली है, तो घर में भी मसरूफियत है, ऑफिस की भी है। मुबारक यारेज। बस मैं जेबू को देखने के लिए आई थी, हमने ही तो पाला है इसे, इसे देखकर तसल्ली हो गई। खाला, अब जेब का फिक्र ना कीजिए, अब जेब के लिए मैं हूं ना। हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि जेबू अपने घर की हो जाए। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अच्छा, आप लोग चाय तो पियेंगे ना? नहीं नहीं, हमने अभी चाय पिए। मैं तो अभी आया हूँ, चाय पी कर जाऊंगा। अब लेट हो रहे हैं बेटा, चलते हैं। अरे कुछ देर और बैठिए प्लीज। जेब, सुंदर को चाय का बोल दो। मैं क्या क्या आती हूँ। और आरिस, क्या चल रहा है? संभल जी। बेगम साहिबा, वो एक और मेहमान आए, उनके लिए चाय बना दो और साहब के लिए भी, साथ में कुछ खाने के लिए दे देना। जी ठीक है। जी सर, जल्दी। जी ठीक।